गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग खेल खेल में गणित पाठ्य पुस्तक का अध्याय पाँच संख्याएं दस से बीस तक गिनती सीखेंगे पहले हम लोग एक से दस तक गिनती सीख चुके हैं हम लोग आइए शुरू करते हैं दस से बीस तक की गिनती यहाँ लिखा हुआ है गिनिए तो देखिए ऊपर में पांच मछली बनी हुई है नीचे में चार मछली कुल कितनी मछली होगी नौ और एक नौ और एक जोड़, जोड़ेंगे हम लोग तो क्या बनेगा दस तो ऊपर देखिए एक दो तीन चार पाँच पाँच मछली फिर नीचे भी पाँच मछली कुल दस मछलियाँ बनी हुई हैं यहाँ ऊपर वाले फिगर में देखेंगे हम लोग ऊपर चार गेंदे हैं और नीचे पाँच गेंदे हैं तो चार और पाँच कितने हो गए नौ और उसके बाद एक गेंद और मिला दिए तो दूसरा वाले फिगर में देखिए पाँच ऊपर गेंद पाँच नीचे गेंद पाँच और पाँच कितना हो गया दस तो नौ और एक मिल के कितना हुआ दस नीचे हम लोग देखेंगे बना हुआ है पाँच आम फिर नीचे चार आम कुल कितना आम नौ लिखा हुआ है नौ और उसके बाद एक आम और तो नीचे लिखा है नौ एक कुल मिला के कितना हो गया दस ऊपर पाँच आम नीचे पाँच आम आप सभी लोग कंकड़ इकट्ठा कर लीजिएगा और जैसा पहला वाला चित्र में देखिए ऊपर में एक दो तीन चार पाँच पाँच ऊपर रखा हुआ है आप भी पाँच कंकड़ को वैसे ही सजा लीजिए इसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है नीचे रखा हुआ है एक दो तीन चार तो पाँच और चार कितना हो गया नौ देखिए लिखा हुआ है नौ हिंदी में भी और अंक में भी फिर हम लोग नीचे देखेंगे पाँच तो ऊपर कंकड़ रखेंगे फिर नीचे भी हम लोग पाँच ही कंकड़ रखेंगे तो पाँच और पाँच कितना हो गया दस देखिए लिखा हुआ है स दस, दस और एक पर सुनना दस अब चित्र की भांति हम लोग ऊपर में छः कंकड़ रखेंगे और नीचे रखेंगे पाँच कंकड़ तो कुल कितना हो गया ग्यारह तो ग्यारह लिखते कैसे हैं आधा ग में या कर या अंक में लिखते हैं एक पर एक, एक ग्यारह अब हम लोग ऊपर छः कंकड़ रखेंगे नीचे भी छः कंकड़ रखेंगे तो छः और छ मिलकर के हो गया बारह बारह को शब्द में कैसे लिखते हैं ह बारह और अंक में कैसे लिखते हैं एक पर दो बारह यहाँ ऊपर हम लोग रखेंगे सात कंकड़ को और नीचे छः कंकड़ को तो सात और छः मिल कर के हो गया तेरह तेरह को शब्द में लिखते हैं तमे एक कर ते र तेरह और एक पर तीन तेरह अंक में लिखते हैं फिर हम लोग नीचे देखेंगे ऊपर सात कंकड़ रख देंगे फिर नीचे भी सात कंकड़ रखेंगे जब गिनेंगे तो ये हो जाएगा मेरा चौदह चौदह कैसे लिखते हैं चमे औ कार चौ दौद और एक पर चार चौदह हम लोग ऊपर में आठ कंकड़ और नीचे में सात कंकड़ रखेंगे तो आठ और सात कितना हो गया पंद्रह देखिए लिखा हुआ है पपर बिंदु ह पंद्रह ये दो में र लगा हुआ है तो पंद्रह एक पर पाँच पंद्रह अब ऊपर में आठ कंकड़ और नीचे भी आठ कंकड़ रखेंगे तो कितना हो गया सोलह तो लिखते हैं सोलह को शब्द में समय ओकार कार सो ल ह ये दंती सा लिखेंगे सोलह एक पर छोलह अब हम लोग ऊपर में नौ कंकड़ रखेंगे और नीचे में आठ कंकड़ तो नौ और आठ कितना हो गया गिनिएगा। का तो ये कितना होगा सत्रह तो सत्रह कैसे लिखते हैं दंती सत्रह ये शब्द में हो गया और अंक में कैसे लिखेंगे एक पर सात सत्रह अब हम लोग ऊपर में नौ कंकड़ रखेंगे नीचे भी नौ कंकड़ रखेंगे तो नौ और नौ मिल, मिल कर के हो गया अठारह अठारह कैसे लिखते हैं और अठार अठारह और अंक में लिखते हैं एक पर आठ अठारह ऊपर हम लोग रखेंगे दस कंकड़ और नीचे रखेंगे नौ कंकड़ तो कितना हो गया उन्नीस तो उन्नीस को लिखते हैं उ फिर आधा न फिर पूरा न में दीर्घिकार और स उन्नीस तो उ न संयुक्त और दीर्घ इकार और दंत स उन्नीस एक पर नौ उन्नीस यही लिखते हैं ऊपर में दस कंकड़ ले लेंगे नीचे भी दस कंकड़ ले लेंगे तो दस और दस मिल के कितना हो गया बीस बीस को लिखते कैसे हैं में दीर्घ बी। दंत स बीस और दो पर सोना बीस यहाँ देखिए ये खरगोश है बैठा हुआ है तो बोलता है खरगोश भैया को जब ये चला तो एक पर मिला बंदर दो पर मिला मछली तीन पर मिला बैलून चार पर मिला कमल का फूल पाँच पर मिला चिड़िया ऐसे ही ये पूछ रहा है खरगोश भैया को हाथी कहाँ मिला हाथी खोजिए कहाँ पर है ये यहाँ पर वो कितना लिखा हुआ है एक पर पाँच पंद्रह तो खरगोश भैया को हाथी कहाँ मिला पंद्रह पर फिर पूछता है खरगोश भैया को मेढ़क कहाँ मिला मेढ़क देखिए कहाँ पर है अरे वाह सत्रह पर तो एक पर सात सत्रह इस तरह हम लोग आज एक दस से लेकर के बीस तक की संख्याओं को सीखें एक बार हम लोग इसको की पुनरावृत्ति कर लेते हैं तो दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद